में भी चलता हूँ, आकर से भी चल लेता हूँ। तो आपका घुटना लोक हो गया है? हाँ घुटना उठने लोक होता, कोई दिक्कत नहीं घुटने, घुटना लोक हो गया है। हाँ। तो आप वाकर से चलते हैं ना, वाकर में, वाकर से जब चलते हैं ना भाई, हाँ। तो वाकर से पीछे को चलिएगा, हम बताते पीछे हैं। अच्छा हाँ। वाकर में आपको पीछे चलिएगा, पीछे ने चलना बहुत मुश्किल है वाकर से। वाकर से पीछे भी चल लेता हूँ। हाँ तो हम बताते हैं, वाकर से पीछे चलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, और वाकर से पीछे चलना बहुत मुश्किल है, आगे चलना सही है, वाकर में चल लेता है, लेकिन पीछे चलने से ज्यादा रिकवरी आएगा। रिकवरी हाँ ज्यादा आएगा, हाँ ज्यादा आएगा। और ये रेलिंग है, रेलिंग का बताते हैं, रेलिंग आगे चलने से ज्यादा फायदा है। अच्छा, रेलिंग में आगे चलने से ज्यादा फायदा है, क्योंकि रेलिंग में पीछे पीछे बढ़ जाएगा, पीछे पीछे तुरंत चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीछे में रेलिंग में आपको दिक्कत नहीं होगा, पीछे पीछे चला जाएंगे, तुरंत चला जाएंगे, लेकिन आगे चलने में बहुत दिक्कत है रेलिंग में। नहीं आगे भी चल, आगे तो दौड़ के चलती तो हूँ। तो रेलिंग में आगे चलना है और वॉकर से पीछे चलना है। देखिएगा पीछे, अभी तो आप चल लेते हैं, इसलिए जो भाई नहीं चल पाता ना उसके लिए बहुत दिक्कत होगा, बहुत नहीं, मैं तो चल लेता जो हूँ। क्लिपर लगा के चलता है, चाहे नी लॉक लगा के चलता है ना, उसके लिए बहुत दिक्कत है। रेलिंग में कोई क्लिपर पहन के चलता है तो क्लिपर पहन के पीछे चल लेता है, पीछे चलने में आसान है, लेकिन आगे को चलना बहुत कठिनाई। मैं लेट के पैर वैर दोनों ऊपर उठा लेता हूँ। उठा लेते, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ पैर मेरे दोनों ऊपर उठ जाते एकदम सीधा। तो आप ना ये दो टाइम चार टाइम चलिएगा, चार अच्छा 1 किलोमीटर का रूटीन बना लीजिए आप, सुबह शाम 1 किलोमीटर चल लीजिएगा। अच्छा दोनों टाइम मिला के 1 किलोमीटर चलना है। हाँ अभी ये है, ये आपके पास व्हील चेयर है क्या? व्हील चेयर मैंने यूज नहीं किया, वो जरूरत ही नहीं पड़ी व्हील चेयर की। नहीं व्हील चेयर आप यूज नहीं किए, व्हील चेयर कहीं होगा ना तो एक बच्चा को व्हील चेयर पर बैठा लेते हैं रोड पर, उसको बच्चा को बैठा लेते हैं आगे, और वाकर वही बन जाता आपका व्हील चेयर। समझे बात को? हम क्या सही बोल रहे कह रहे। हाँ हाँ समझ गए, हम क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ पीछे से पकड़ के वाकर समझ लो, वही वो चलता रहता, तुम चलते रहते बस उसको ठेलते आप चलते हैं, उससे है। आपको अच्छा रिकवरी। अगर ये 1 किलोमीटर आपको करना है, अच्छा 1 किलोमीटर बाकी ये बताओ बाथरूम वाथरूम सही होगा कि नहीं आगे चलके? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। ये ना आपको ये आप व्हील चेयर तो बोलते हैं यूज नहीं किए, व्हील चेयर नहीं है तो आपको रिकवरी के लिए हम बताते हैं, जो मेरे को डॉक्टर जानकारी दिया वही हम बताते हैं, ये हम नहीं कहीं लगा बजा के आपको नहीं बोल रहे हैं। तो वैसा बच्चा बच्चा उसमें बैठा रहता, थोड़ा लोड पड़ता है, और आपका ये वाकर ही बन गया, पीछे जो पकड़ने वाला आता है ना व्हील चेयर में, जहाँ पता है। हाँ तो उसको पकड़ के आप चलिए 1 किलोमीटर सुबह शाम दो टाइम। अच्छा। लेकिन वो बोल रहे हैं वो नहीं है तो वाकर से चलिएगा 1 किलोमीटर रूटीन बना लीजिए। आपका रोड में पलायन है जो है ना, गाड़ी घोड़ा ज्यादा नहीं चलते, उसमें आप चल लेते हैं तो, और नहीं चल पाते नहीं तो चल लेता हूँ मैं, वहाँ चलता रहता हूँ, लेटरिंग भी मैं जाके जंगल में ही करके आता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत लेटरिंग भी जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप जो बात बोले ना बहुत अच्छा हमको लगा, और ये आपको ना 2 साल के अंदर में पूरे रिकवरी आ जाएगा, जिस तरह आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ मेरी भी शादी हुई, मैं आप वीडियो देखा था सीआईसी एकदम है। हाँ हाँ मेरा अभी 4 महीने हुआ। हाँ हाँ अभी लेवल है मेरा L1, सिर्फ L1 है, सिर्फ ये L1 है। हाँ L1 है, और वाइकल लेके चलता हूँ। स्क्रूप लगा हुआ है आपका? हाँ 4-8 स्क्रूप लगे हैं। तो ये L1 है, 8 स्क्रूप लगा हुआ, ये कैसे होगा है? एक लेवल में 8 स्क्रूप कैसे लग जाएगा? लगा है 8 लगा है। हाँ? मतलब L1 जो नीचे उसकी हड्डी थी, L1 में तो फ्रैक्चर था, हाँ बाकी नीचे की जो दो हड्डी थी L4 L5 जो थी, हाँ ये मतलब जैसे फ्रैक्चर नहीं हुई थी, हाँ जैसे मोड़ दो फैल जाए ऐसे हुई थी, उसमें से सपोर्ट करके कस दिया है ना? हाँ उसी में सपोर्ट करके ताकि कस दिया है। तो आपका सिर्फ L1 है? हाँ L1 है, डॉक्टर ने जो बताया था फ्रैक्चर, मुझे L1 का ही बताया था। ज्यादा चोट होगा इसलिए लंबा लंबा स्क्रू लंबा, हाँ चोट फ्रैक्चर ज्यादा था ना,
हाँ, तो मतलब उस टाइम जब ऑपरेशन आपका हुआ था तो मतलब मलमूत्र कंट्रोल कुछ पैर में कुछ नहीं था, पैर में मोमेंट कुछ होगा हरकत कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, नहीं नहीं मलमूत्र का सब चला गया था। तो अभी कितना दिन, कितना दिन में आपका ये आया? 4 महीने हो गया मेरा, ये 25 तारीख को 4 महीने हो गए। 4 महीने में वाइकर लेके चलने लगा हूँ। वाकर लेके चलने लगा, पेशाब कंट्रोल आ गया? नहीं, पेशाब कंट्रोल नहीं आया। पेशाब नहीं कंट्रोल आया? पेशाब अभी शून्य पड़ा है। वो बाथरूम जो, बाथरूम जो करते हैं वो शून्य है, बाकी लैट्रिन के रास्ते के पास शून्य पड़ा है। बाकी और पैर में लमसम सब सही है, पैर में मतलब सब पता लगता छूने पे। हाँ, बाकी ये दो जगह पर छूने पे नहीं पता लगता। और उंगलियां नहीं चल रही पैर की, पैर का उंगलियां नहीं चल रहा है। हाँ, तो पेशाब ताकत लगा के कर लेते हैं ना? हाँ, पेशाब ताकत लगा के कर देता हूँ। अच्छा बात है। और बाथरूम कितना दिन पर होता है? बाथरूम जैसे मैं पानी जैसे पानी पीता हूँ, चलता रहता हूँ तो अक्सर लीकेज ही होता रहता है। हाँ, चलने में लीकेज होगा, बैठने में आपका लीकेज नहीं होगा ज्यादा? हाँ, बैठने में लीकेज नहीं होता है। हाँ, बैठने में आपका लीकेज नहीं होगा, चलने में ज्यादा लीकेज होता होगा। चलने में लीकेज होता है, उसके बाद फिर कर लेता हूँ अपना, ज्यादा लीकेज लग रहा है तो फिर कर लेता हूँ, कल के खाली कर लेता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले खाली कर लीजिएगा ना, उसके बाद ही चलिएगा। अच्छा अच्छा और नहीं होगा ना तो आप जिस टाइम चलते हैं उस टाइम ना सीआईसी पैप आता है, 13-14-12 रुपया 15 रुपया में आता है, वो सीआईसी कर लीजिएगा और निकाल लीजिएगा पैसा घुसा के नली। उसके बाद चलिएगा तो आराम होगा आपको चलने में भी, और लीकेज का झमेले खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं कर लेता हूँ एक बार तो फिर नहीं लीकेज होता। तो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बिल्कुल बढ़िया बात, बिल्कुल बढ़िया बात है। फिर जो थोड़ा देर बाद फिर भरेगा जब, हाँ, तब फिर जो है फिर लीकेज होगा। नहीं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और वो, और एक तो बात, ये आप रेलिंग में चलते हैं ना, धीरे 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 सब पता चलेगा धीरे। अभी तो हल्का हल्का पता चलता होगा, ऐसा बात नहीं है अभी, मतलब जैसे वो मेन उसी नहीं पता लगता, उसके नीचे पता लगता है। हाँ, उसके पता लगता है। और कभी शांत से सोया हुए हैं जब बेड पर न, पूरा शांत से, तो कभी कभी छूने से भी पता चलता होगा, पैर तरफ छूटा होगा तो बोलते हैं। हाँ, हल्का पता चलता है, कभी कभी बाई चांस में पता चलता होगा, हल्का हल्का छूने से। तो अभी 4 महीने हुए, 2 तारीख को मुझे 4 महीने हो जाएगा सर्जरी। हाँ, चेक चेक बच्चा उच्चा कोई मार देता होगा पैर में तो कभी बोलते हैं। हाँ, हमको थोड़ा पता चलता है। नहीं, पैर वैर तो पूरा पता लग रहा है छूने में। हाँ, पैर की नहीं मुझे दिक्कत है, पैर तो पता ही लग रहा है। तो कहाँ दिक्कत है? मुझे दिक्कत दो जगह नहीं, जो चूतर जहाँ लाइटिंग नहीं निकलती है, उधर किस एरिया में छूता हूँ नहीं पता लगता है, और आगे जहाँ बाथरूम करता हूँ उसमें। नहीं, सब जगह पता चलेगा धीरे धीरे। अब उतना हो गया, इतना हो जाएगा। और उंगलियाँ हिलना कब तक चलेंगी ये उंगलियाँ हिलना का? हाँ, ये जब पैर में आपका बैलेंस पूरा आ जाएगा ना, जब भी पैर चलने में धुना जाता है ना, ये सब कंट्रोल आएगा तब आपका उंगली में आप पावर आ जाएगा। क्योंकि आपने एक वीडियो डाली थी कोई लड़के की, उसका भी शायद L4 L5 था, ऐसे कुछ था। हाँ, उसने भी, वो तो अच्छी तरह चल लेता है। हाँ 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 ना? हाँ, बच्चा का डाले हैं। हाँ, वो तो अच्छी तरह चल लेता है। हाँ, उसका कई लेवल है, मेरे ज्यादा लेवल है। हाँ, उसका लेवल है, सेम टू सेम प्रॉब्लम आप ही का जैसा है। आपको भी 8 स्क्रूप लगा हुआ, उसको भी 8 स्क्रूप। अच्छा, मगर वो चलने लगा ना? हाँ, चलने लगा। तो इतना मेरे भी इतनी, सब लोग कहते हैं सुरेश जितना जल्दी तो चलने लगा, इतना जल्दी कोई नहीं चलता है। कोई, हाँ हाँ, कोई चलता नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर बोला है वो डॉक्टर का, ये नहीं हम जो बताते हैं, नहीं, डॉक्टर जो बोला वो बात पर आप फॉलो रखिएगा, वो आप करता है चालू। डॉक्टर तो बोला था कि सही हो जाओगे डॉक्टर, ऑपरेशन में अच्छे से कर दिया हूँ। डॉक्टर ये बोला ना जो आपको चलने के लिए बोला है ना? हाँ, डॉक्टर बोला जितना चल सकते उतना चलो, जितना बैठ सकते उतना बैठो, बस बस बस। और एक्सरसाइज बोला है ना? हाँ, एक्सरसाइज भी बोला है। बस बस, जो डॉक्टर एक्सरसाइज बोला उसी से आपको रिकवरी आया, ऐसा बात नहीं। और वही कीजिए, और थोड़ा इसके साथ खाने पीने का भी। खाने में तो मैं सुबह के टाइम वही चुकंदर, अनार और सेब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही सब ले, चना
बादाम काजू यही सब लेता हूँ सुबह, और इसके बाद एक बार खाना खाता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो खा रहे हैं खाने में कमी नहीं कीजिए, खाने में कमी कीजिएगा तो फिर एक्सरसाइज चलने में दिक्कत हो जाएगा। चार रोटी में खाता हूँ खाना, चार रोटी खाता हूँ। हम लोग के लिए खड़ा होना चलना बहुत मुश्किल है। आपको क्या हुआ था भैया? हमको भी स्पेनर में चोट लगी थी, बिजली के खंभे पर से गिर गए। अच्छा, आप सही हो गए हो? नहीं सही के नहीं, तो हम तो 13 साल मेरे को हो गया, बिल्कुल मेहनत ही नहीं की है। 10-12 साल 12-13 साल मेहनत ही नहीं की है बिल्कुल। अब मेहनत चालू की है। अभी चलने लगे हो कि नहीं? अभी क्लिपर पहन के रेलिंग चम्मे चलते हैं वाकर से। अच्छा, हम पहले मेहनत नहीं किया, पहले गांव में थे ना तो बोलता ये जो रीढ़ का हड्डी जिसको फ्रैक्चर होता है ना वो कभी नहीं चलाया। देखिए वो मेरा पड़ोसी वाला नहीं चलाया, अभी तक नहीं ठीक हुआ है, तो आप भी नहीं ठीक होइएगा। तो हम भी सोचे चलो हम भी ठीक नहीं होंगे, फिर मेरा घर का फैमिली कोई सपोर्ट नहीं। जैसे इसकी वीडियो डाले उसी नंबर का नंबर है। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो? झारखंड से। झारखंड से, और स्पाइन सर्जरी आपको भी हुआ है क्या? हाँ। अच्छा, कितना दिन हो गया? 13 साल। डेढ़ साल? 13 साल। 13 साल? हाँ। सही हो गए? नहीं। अभी क्या दिक्कत है? कुछ नहीं किया, आप मेहनत चालू किए। पहले अच्छा कुछ नहीं किया, पहले लेटे रहे। हाँ हाँ। अब कितना दिन से मेहनत कर रहे हो? ये साल भर। अच्छा, साल भर से मेहनत कर रहे हो? हाँ। और इससे पहले लेटे रहे सिर्फ? हाँ। अब सही हो? हाँ ठीक है। चल लेते हो? नहीं नहीं चल पाते हैं, क्लिपर वाइकर से क्लिपर पहन के चलते हैं और रेलिंग में। अच्छा, क्लिपर पहन के। अभी घुटना नहीं लोक होता क्या? नहीं। 13 साल से पड़े ही रहे? हाँ। कोई बताया नहीं क्या एक्सरसाइज करना क्या करना? नहीं कोई बताया नहीं, और घर का सपोर्ट भी नहीं मिला। तो घर का कोई सपोर्ट भी नहीं था? हाँ। अभी ठीक हो? हाँ। हम भी गिर गए थे यार, कितना गिर गए थे। टाइम कितना हुआ है? 3 महीने हुआ अभी। और लेवल कौन सा है? L1D12। L1D12। तो कितना रिकवरी मिला आपको? अभी रिकवरी इतना आया, वाइकर से चल रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, गोड का कृपा है, धीरे धीरे वाकर छूटेगा। घुटना लोक आ गया? घुटना लोक मेरा शुरू से ही था। तो जिस टाइम आप सर्जरी करवाए, सर्जरी हुआ है आपका? हाँ सर्जरी हुआ। तो उस टाइम पैर काम कर रहा था आपका? एक कर रहा था, एक नहीं। और एक पैर काम कर रहा था? एक कर रहा था हल्का फुल्का। और मलमूत्र? उसका भी तो नहीं पता। कैटेटर लगा हुआ? वैसे टाइम टाइम से कर लेता हूँ। ताकत लगा करते है ना? हाँ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तुम कैसे करते हो? हाँ उसी तरह करते हैं, ताकत लगाते हैं। हाँ तो नहीं तो कभी कभी सियासी करते हैं, नहीं कभी कॉन्डम कैटेटर यूज करते हैं। कॉन्डम? अच्छा कॉन्डम कैटेटर। हाँ। उसको कैसे वो मंगाते हो, खरीदते हो क्या बाजार में? हाँ मंगाते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन? हाँ बोलिए। 13 साल हो गया है। हाँ। मेरा 3 महीने 15 दिन हुआ अभी। 3 महीना 15 दिन? हाँ। तो बता रहे थे 3 साल? नहीं 3 महीना 15 दिन बता रहा हूँ। 3 महीना 15 दिन? नहीं ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर क्या बोला आपको, चलने के लिए बोला है ना डॉक्टर? तो उसी दिन जिस दिन ऑपरेशन किया उसके 10 दिन बाद बोल दिया जितना चल सको चलो, जितना बैठ पाओ बैठो। और एक्सरसाइज? एक्सरसाइज के लिए भी बोला था। हाँ वो सब करते रहना है। कोई दवा का एक्सरसाइज करे, बाथरूम वाथरूम सही हो जाएगा कि नहीं? हाँ सब हो जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आपका टाइम बिल्कुल नहीं हुआ है, आप खाने पीने पर भी ध्यान दीजिएगा। नहीं खाने तो मैं ध्यान दे ही रहा हूँ। बस बस आपको रिकवरी आ जाएगा। स्क्रूप लगा है ना आपको? हाँ 8।
तुम्हारे छह स्क्रूप लगा है, छह स्क्रूप मेरे आठ लगा है। फिर बताओ